जय श्री माता जी। समस्त चेतनाओं को इस चेतना का प्रणाम। ध्यान की यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त यात्रीगण अपनी अपनी तैयारी कर लें, अपने अंतःकरण को सुसज्जित कर लें समस्त प्रकार की संवेदनाओं से, समस्त प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से और समस्त प्रकार की चेतनाओं से। जो चित्त, चेतना, मन, बुद्धि, विवेक, जागृति नाना रूप में परमेश्वरी ने हमें प्रदान की है, तो प्रारंभ करते हैं इस यात्रा का अपने मध्य हृदय से। मध्य हृदय में आसीन श्री मां के समक्ष पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, इच्छा, समर्पण के साथ साष्टांग प्रणाम करते हैं उनके श्री चरणों में। थोड़ी देर तक इसी मुद्रा में ही बने रहेंगे। और अपने सहस्रार पर, अपने संपूर्ण अस्तित्व में श्री चरणों से आने वाले आशीर्वाद को आभासित करेंगे। अब उठकर अपने ही हृदय में श्री मां के समक्ष
ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और आभासित करेंगे कि हमारे चारों ओर हमारे सभी इविल हंटर्स की सूक्ष्म चेतनाएं ध्यानस्थ हैं। इनके अतिरिक्त भी पूरे विश्व की जागृत चेतनाएं अपने सूक्ष्म अस्तित्व में हमारे ही हृदय में उपस्थित हैं। यह एहसास करके समस्त सूक्ष्म चेतनाओं से अपने सहस्त्रार के माध्यम से वे अपने मध्य हृदय के माध्यम से हम जुड़ जाएंगे, मानो हमारे सहस्त्रार से उन सब का सहस्त्रार कनेक्टेड है और हमारे मध्य हृदय से उन सब का मध्य हृदय कनेक्टेड है। इस अवस्था में ही हम कुछ देर तक ध्यानस्थ होंगे और अलर्ट रहकर महसूस कर रहे होंगे कि जब से हमने अपना चित्त अपने चारों ओर विराजी हुई सूक्ष्म चेतनाओं पर रखा है, तब से हमारे सहस्त्रार में, हमारे मध्य हृदय में ऊर्जा में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। महसूस करें, डेढ़ दो मिनट के लिए इस क्षण अपना हमचित अपने चारों ओर विराजी हुई सूक्ष्म चेतनाओं के सहस्त्रार से जोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता के साथ और महसूस करेंगे कि उनके सहस्त्रार से हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही है और उस ऊर्जा पर हमारा सहस्त्रार किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है। आधा एक मिनट के लिए पूरा फोकस इस बात पर।
समस्त सूक्ष्म चेतनाओं के शस्त्रार की प्रतिक्रिया से हमारा शस्त्रार तीव्र गति के साथ खिंचना प्रारंभ हो गया है और इस घटनाक्रम का आभास हमारे सेंट्रल आज्ञा पे भी अनुभव हो रहा है। सेंट्रल आज्ञा में भी एक सुखद सा खिंचाव है। हमसा में भी तीव्र खिंचाव है। विशेष तौर से हमसा, सेंट्रल आज्ञा और सहस्त्रार तीनों स्थानों पर एक आनंददायी खिंचाव की अनुभूति हो रही है। और अब हम अपने चित्त को उन सभी के सेंट्रल हार्ट में स्थित कर देंगे और अपने सेंट्रल हार्ट में उनके मध्य हृदय की ऊर्जा को अनुभव करेंगे। अब जागरूकता के साथ गौर करेंगे कि जब से हमने इन सभी के सेंट्रल हार्ट में अपना चित्त जोड़ा है तो इन सब के हृदय से क्या किसी प्रकार की कुछ प्रेरणाएं विचार बन के हमारे अंदर प्रकट हो रही हैं, यानी कि इन सभी की जो शुद्ध इच्छाएं हैं, यानी कि जो मुख्य शुद्ध इच्छाएं हैं इन सभी की, क्या उनमें से कुछ हमारे हृदय में यकायक उठनी प्रारंभ हो गई हैं? पूरा फोकस करेंगे अपने हृदय में अब और टटोलेंगे, क्या किसी प्रकार की प्रेरणा हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो रही है?
हमारे हृदय में तो पहले नंबर पे जो प्रकट हो रहा है, आप सब अपने भीतर में देखिएगा, लेकिन हमारे हृदय में जो प्रकट हो रहा है एक ही में एक मैसेज कि हमें और गहनता पानी है। वी वांट मोर डेप्थ। और सेकंड नंबर पे आ रहा है, हमें श्री माता जी का एक सुंदर यंत्र बनना है। आप अपना नोटिस करते रहिएगा, श्री मां हम पे कृपा करें कि हमारा यह जन्म सार्थक हो जाए। ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है, श्री माता जी हमसे जो अपेक्षाएं रखती हैं हमको मां इस स्थिति में पहुंचा दो कि हम उन सभी आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। पांचवे नंबर का आ रहा है, आपकी सृष्टि वे आपके जन्म दिए मानवों के लिए हम कुछ ऐसा कर सकें जिसमें उन सभी का कल्याण हो। इसके बाद आ रहा है, श्रीमान हमको मुक्त अवस्था प्रदान कीजिए। ऐसी मुक्त अवस्था हम किसी भी सांसारिक प्रपंच में उलझ ही ना पाएं। सातवें नंबर पे प्रकट हो रहा है, मां कुछ ऐसा करिए कि हम सदा गहन ध्यान की समाधि का आनंद लेते रहे। आठवें नंबर पे आ रहा है, हे श्रीमा हम पे इतनी कृपा बनाए रखना, हम सदा स्वयं को अपने आपके श्री चरणों में ही स्थित पाएं। नवे नंबर पे आ रहा है, श्रीमा हमको ऐसा यंत्र बनाइए जिससे हमारे यंत्र का सदुपयोग हो सके और हमारे यंत्र के द्वारा अनेकों यंत्र तैयार किए जा सकें। दसवें नंबर पे आ रहा है, माँ हमारी ऐसी स्थिति कर दीजिए, ऐसी अवस्था प्रदान कीजिए हमारे हृदय से सदा आपकी रचना के लिए प्रेम बहता रहे। हम किसी भी बात से कभी भी रुष्ट ना हो पाए, अत्यधिक क्रोधित ना हो पाए। ऋषिमा हमारे क्रोध को नियंत्रित में रखने का उपाय सुझाइए। वहां ग्यारहवें नंबर पे आ रहा है, श्री माता जी हमें ऐसी अवस्था प्रदान कीजिए जिससे हम सांसारिक
और आध्यात्मिक दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकें। आरवे नंबर पे आ रहा है, श्रीमा जाने अनजाने में कभी भी हमारे से या हमारे मुख से ऐसी बात ना निकले जिससे अन्य लोगों के हृदय को चोट पहुंचे, किसी की भावनाएं आहत हो जाएं। हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते माँ, पर पता नहीं क्यों यकायक ऐसा कुछ हो जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम श्री माँ आपके बच्चे हैं, और बाद में हम बहुत पछताते हैं, अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते हैं। माँ कुछ ऐसा कर दीजिए कि यह सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं हमारी ना हो पाए। तेरहवें नंबर पे आ रहा है, शिमाता जी हम बिना बात के अपने परिजनों के बुरे बन जाते हैं जबकि हमने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं होता। हम लाख उन्हें समझाना चाहें पर फिर भी वो हमसे बुरा मान जाते हैं। हम तो कदापि नहीं चाहते हैं उन सभी को कष्ट देना। चौदहवें नंबर पे आ रहा है, श्री माता जी हमको हमारे अंतर मन में चलने वाले अंतर द्वंद से बचाइए। माँ बिन बात के कभी भी ये हमारे अंदर में शुरू हो जाता है और हमको हफ्ते हफ्ते भर तक के लिए पीड़ित रखता है। हम इसमें उलझ के रह जाते हैं। माँ हमको ऐसी अवस्था प्रदान कीजिए, वो स्थित प्रज्ञता हमारे भीतर में स्थित कर दीजिए माँ, जिसमें हम कभी भी उलझे ना, कभी भी हम विचलित ना हो। पंद्रहवें नंबर पे आ रहा है, शिमाता जी हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। माँ हमको इतना उन्नत कर दीजिए कि उत्क्रांति की अंतिम अवस्था को हम अपने जीवित रहते हुए स्पर्श कर लें और मृत्यु उपरांत हमें संसार में जन्म ही न लेना पड़े। माँ हम इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहते हैं। यदि आप लाना चाहें तो ले आइएगा माँ, पर हम अपनी इच्छा से कदापि संसार में नहीं आना चाहते। यह संसार तो रहने ही योग्य नहीं रह गया है। माँ चारों तरफ देखते हैं, झूठ धोखा हत्या लूट न जाने कितने प्रकार की नकारात्मक घटनाएं घटित होती रहती हैं। माँ हमारा तो बिल्कुल भी दिल ही नहीं लगता इस संसार में। केवल आपके श्री चरणों में जब स्वयं को पाते हैं तो हमारे हृदय में कुछ सुकून मिल जाता है, किंतु संसार की तरफ देखते हैं जब हम तो हमारा मन कुम्हला जाता है, हृदय उदास होने लगता है। माँ हम सबको दोबारा जन्म नहीं लेना है श्री माता जी, हमको जो चाहे करिए माँ, किंतु हमें वो अवस्था प्रदान कीजिए जिसके कारण हम अपने किए कार्यों के प्रतिक्रिया स्वरूप मजबूरी में दोबारा ना जन्मे। जब भी आए तो केवल आप ही के कार्य करने के लिए
आप ही की इच्छा से आए माँ, हमें तो हर हाल में केवल और केवल आप ही का साथ आनंद देता है। कुछ भी तो नहीं है हमारे जीवन में आपके सानिध्य के सिवा। यह मुख्य रूप से 15 प्रकार के आंतरिक वार्तालाप हृदय का रिसीव कर रहा था, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा चित्त उन सब के हृदय पे तो फोकस है ही, अब हम क्या करेंगे अपने मध्य हृदय की ऊर्जा को खींचते हुए, मध्य हृदय से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इस ऊर्जा को अब हम अपने चित्त में भरेंगे। जैसे पिचकारी से हम बाल्टी में रखा हुआ जल या रंग खींच लेते हैं और अपने सहस्त्रार रूपी पिचकारी से उन सब के हृदयों में अपने मध्य हृदय की ऊर्जा को 1.5-2 मिनट तक प्रवाहित करेंगे। ताकि द्रवित होते हुए उन सब के हृदयों को कुछ शांति व राहत प्राप्त हो जाए। 1.5-2 मिनट इस ऊर्जा का प्रक्षेपण अपने चित्त और सहस्त्रार की सहायता से उन सब के हृदयों में करेंगे। जैसे जैसे उन सब के मध्य हृदय इस ऊर्जा को रिसीव करने लगे हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय में भी ऊर्जा का प्रभाव घना होता जा रहा है, यानी कि ऊर्जा का घनत्व इंटेंसिटी बढ़ रही है।
अब हम अपने चित्त को धीरे धीरे अंतरिक्ष से परे श्री पार ब्रह्म के श्री चरणों से जोड़ लेंगे, या यूं कहिए अपनी चेतना को हम उनके श्री चरणों में स्थापित कर देते हैं। और अपना चित हम अपने ही हृदय में स्थित पूरे विश्व की समस्त जागृत सूक्ष्म चेतनाओं पर रखेंगे, उनके सहस्रारों पर रखेंगे एक साथ। यानी हमारी चेतना तो श्री पार ब्रह्म के श्री चरणों में स्थापित रहेगी, और हमारा चित हमारे ही हृदय में स्थित इस विश्व में उपस्थित सूक्ष्म जागृत चेतनाओं के सहस्रारों पर होगा। और महसूस करेंगे कि उनके श्री चरणों से जो वात्सल्य व प्रेम ऊर्जा के रूप में आ रहा है, हमारे सहस्रार से गुजर कर हमारे हृदय में उपस्थित समस्त चेतनाओं के सहस्रारों पर पहुंच रहा है। इसी अवस्था को हम 2-3 मिनट तक मेंटेन करेंगे, और इसी 2-3 मिनट के भीतर ही ये वाला जो समय है सेशन का समाप्त हो जाएगा। इसी स्थिति को बनाए रखिएगा, और इस ऊर्जा के प्रवाहन का आनंद उठाइए। कितनी सुंदरता के साथ, कितने आनंद के साथ हम लोग अपने हृदय में स्थित चेतनाओं तक श्री पार ब्रह्म का प्रेम माध्यम बनकर पहुंचा रहे हैं। इसी ध्यानस्थ अवस्था में हम एक चिंतन यात्रा पर चलते हैं। वह चिंतन यात्रा है
कि सहजी क्यों भ्रमित हो जाते हैं और क्यों वो नाना प्रकार की मिथ्या धारणाएं अपने भीतर पाल लेते हैं। क्या वजह है जबकि हम श्री माता जी से जुड़े हैं, हमारे सहस्त्रार पे भी हमें वाइब्रेशंस महसूस होते हैं, हाथों में भी होते हैं, हृदय में भी होते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि हम बिना बात के सुनी सुनाई बातों पर आ जाते हैं, फंस जाते हैं और उन्हें ही सत्य मान लेते हैं, और सत्य मानने के कारण हम उन बातों को बिना जाने, बिना समझे, बिना पहचाने ही आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। यानी कि हम एक रॉन्ग मैसेज अपनी पूरी सहज कम्युनिटी में अनजाने में फैला डालते हैं। ऐसा क्यों होता है? या हम बिना बात के कुछ भी हम सहज के बारे में बोल देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। क्यों ऐसा होता है? हमको क्यों नहीं पता लगता ऐसा कि हम मिथ्या आचरण में फंस गए हैं? आज इसके लिए भीतर में उतरेंगे और इसके कारणों पर हम दृष्टिपात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है जो हमको इन झूठी बातों में फंसाने में बने रहते हैं, हमारे भीतर रहते हैं और हम फंसते रहते हैं और अन्यों पे भी वो झूठ प्रवाहित कर देते हैं। ध्यानस्थ तो आप सभी हैं ही, बस केवल इतना परिवर्तित करना है कि हमें पूर्ण जागरूक रहकर अपने सहस्त्रार मध्य हृदय में बने रहना है और अपने भीतर में हम ये प्रश्न करेंगे कि हम क्यों मिथ्या बातों में फंस जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। एक मिनट के लिए हम इस प्रश्न को अपने हृदय में डालकर छोड़ देते हैं। अब गौर करेंगे कि जो प्रश्न हमने अपने हृदय में डाला है, हमारा हृदय उसके लिए क्या हमको बता रहा है। गौर करेंगे। भीतर में जो उत्तर प्रकट हो रहा है हमारे, आप अपने हृदय का देखिएगा, वो यह है, हम जब किसी भी बात को हम सुनते हैं, हम कभी भी गौर नहीं करते कि जब वो बात हम सुन रहे हैं या उस बात को हम ग्रहण कर रहे हैं तो उस पर हमारा मध्य हृदय क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। हम पूर्व कंडीशनिंग के कारण, पुरानी आदतों के कारण ऐसे ही उसको सीधे ग्रहण कर लेते हैं और हमारे माइंड में वो बात सेव हो जाती है। यानी कि जो भी बात आई है हम उसे हृदय की कसौटी पर कसकर नहीं देखते।
यदि सीधे माइंड में सेव करने की जगह हम उस बात को सीधे अपने मध्य हृदय पर ले जाए और कनेक्टेड स्टेट में आधा एक मिनट छोड़ें उसे अपने हृदय में, तो हमारा हृदय निश्चित तौर से नकारात्मक प्रतिक्रिया देकर हमको बता देगा। जैसे किस प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा हमारा हृदय, सबसे पहले यदि हम उस बात को अपने मध्य हृदय में ले गए और वह है असत्य है, गलत है बात, तो हमारे मध्य हृदय में घुटन की अनुभूति होगी, सफोकेटेड फील करेगा, यानी कि वो बात हमारे हृदय को पसंद नहीं आएगी। दूसरे, जो हमारे मध्य हृदय में ऊर्जा महसूस हो रही है वह ऊर्जा घट जाएगी, यानी कि कुछ परसेंट उसमें कमी आनी प्रारंभ हो जाएगी। तीसरा, प्रतिक्रिया हमारा विशुद्धि करेगा। विशुद्धि में जो निरंतर ऊर्जा का प्रवाह बहता रहता है वह भी कम होता प्रतीत होगा। और तीसरी प्रतिक्रिया जो करेगा वो हमारा आज्ञा करेगा, सेंट्रल आज्ञा, जैसे अभी अभी कर रहा है। सेंट्रल आज्ञा पे पेन आना प्रारंभ हो जाएगा, आंखों के ऊपरी भाग पर यानी कि आईब्रोज के ऊपर का हिस्सा दर्द करना प्रारंभ कर देगा। देखिए कितना सुंदर घटनाक्रम है हमारे यंत्र का, कि झूठी बात को ग्रहण करने पे क्या होगा, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत देकर बता दिया हमें अभी। तो यदि, लेकिन ये हम तभी जान पाएंगे जब हम उस बात को कसने के लिए अपने हृदय में उसे भेजेंगे, अन्यथा कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया हमको महसूस नहीं हो पाएगी। और एक दूसरा और भी कारण होता है कि जब भी कोई बात हमें पता लगती है उस क्षण हम तुरंत उस बात से अटैच हो जाते हैं और हमारी कनेक्टिविटी डिसकनेक्ट हो जाती है, और डिसकनेक्शन के कारण ही हमें वो बात ऐसे ही ठीक लगने लगती है और हम फटाक से उस बात को अपने लेफ्ट आज्ञा में यानी माइंड में सेव कर देते हैं और यह दुर्घटना घट जाती है। और फिर और भी क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वह बात हमारी पूर्व की कंडीशनिंग से मैच कर रही होती है, यानी कि इस प्रकार की बातों को सुनकर प्रतिक्रिया करने के हम आदि रहे होते हैं, यानी कि सहज में आने से पहले भी हम ऐसे ही होते हैं, यानी हमारी पूर्व कंडीशनिंग का प्रभाव आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बावजूद भी हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में बना ही रहता है, जिसके कारण वह सूक्ष्म आदतें हमारे मन की सतह पर प्रभावी हो जाती हैं और हम वही करते हैं जो सहज में आने से पहले करते आ रहे थे। और एक तीसरा कारण है जिसके बात हम सुन रहे हैं, जिसकी बात, जिस व्यक्ति की बात या जो भी बात हम सुन रहे हैं, उस व्यक्ति के प्रति हमारे भीतर में कोई ना कोई प्रतिक्रिया पहले से ही चल रही होती है, यानी कि उस व्यक्ति विशेष की बातें हमारे अंदर जो स्थित सूचनाएं हैं उससे मेल नहीं खाती होती हैं, पहले से ही मेल नहीं खाती होती हैं,
अब जैसे ही उसके बारे में हमें कोई बात पता लगती है, तत्क्षण हमारा व्यवहार वही हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम एक जागृत चेतना है और एक हम आम साधारण मानव की तरह व्यवहार कर बैठते हैं और वैसी ही प्रतिक्रियाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। अक्सर होता क्या है, यदि किसी सहजी ने हमें अपने अनुभव बता दिए जो हमने कहीं भी ना तो सुने हैं ना श्री माता जी के लेक्चर्स में पढ़े हैं, और जो लेक्चर्स श्री माता जी के हमारे मस्तिष्क में विद्यमान हैं, हमारी मेमोरी में विद्यमान हैं, या जो भी अभी तक हमने सहज में किया है उसका संज्ञान हमारी चेतना को है, और उन सारे के सारे घटनाक्रम की स्थितियां हमारे बाएं आज्ञा में सुरक्षित हैं, तो जब भी कोई किसी सहजी की एकदम नई बात हमारे संपर्क में आती है तो हमारा बाया आज्ञा तुरंत इसकी सूचना हमारे मानस पटल पर भेज देता है, यानी कि जो इससे संबंधित सूचना पहले से ही मौजूद थी उस सूचना को हमारे मन की सतह पर पहुंचा देता है, और उस मन की सतह पे आई हुई सूचना पर हमारा दाहिना आज्ञा प्रतिक्रिया करता है और तुरंत रिजेक्ट कर देता है। सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों ही कंडीशनिंग के कारण होता है, पूर्व प्रारब्ध की जो आदतें हैं उसके कारण ही हम किसी बात को एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं या सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि हमारी सूचनाओं के मुताबिक वह बात मैच कर जाती है तो हमारा दाहिना आज्ञा उस पे सेलेक्ट का टिक लगा देता है, और मैच नहीं करती है तो हमारा दाहिना आज्ञा उसको रिजेक्ट कर देता है, और फिर हमारे अंदर का जो अहम भाव है वो जागृत हो जाता है, और वो जागृत होते ही हमारे अंदर चोट पहुंचती है। हमको लगता है कि यह बात हमें क्यों नहीं मालूम थी, और जब ये अहंकार जागता है तो हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया होती है कि उस सूचना को हम किस प्रकार से झूठा साबित कर दें या उसको गलत बता दें। तो इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भी किसी भी सहजी के अनुभव पर हमारे दोनों आज्ञा प्रतिक्रिया देकर उसे गलत सुनिश्चित कर देते हैं, और उस गलत चीज़ को मानकर हम अपने बाकी सहजियों में प्रसारित कर देते हैं। तो यह सूक्ष्म घटनाक्रम बड़ी तीव्रता से घटित होता है और हम जान ही नहीं पाते कि हमने कितना गलत कार्य कर डाला अपनी अज्ञानता के चलते। यदि हम पूर्ण तरह जागृत रहें, यदि हम अपने हृदय से कनेक्टेड रहें, तो किसी भी सहजी के अनुभव आपका हृदय तत्क्षण स्वीकार कर लेगा, और उसकी सत्यता का भी आपको भीतर में आभास करा देगा। यदि किसी सहजी के अनुभव या बातें सत्य हैं तो हमारा हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, लेकिन यह होगा तभी जब हम सहस्त्रार हृदय में कनेक्टेड होंगे और इस कनेक्टिविटी को हम संज्ञान में भी लिए हुए होंगे, यानी कि हम एक्नॉलेज भी कर रहे होंगे कि हम कनेक्टेड हैं, तभी ऐसा होगा। और यदि कोई बात गलत भी आएगी तो भी हम जान जाएंगे अंदर से, फिर भी हम वह गलत बात आगे प्रसारित नहीं करेंगे, क्योंकि हम जागरूक हैं। हमारा यंत्र एक रिसाइकिल बिन की तरह कार्य करेगा,
कि सारे कचरे को उठा के रिसाइकिल बिन में डाल देगा और हम गलत बातों को आगे प्रेषित नहीं करेंगे। तो यह मुख्य रूप से दो कारण हैं, और एक तीसरा कारण यह है कि हम बारंबार बारंबार अन्य सहजियों से किसी सहजी के बारे में या किसी बात के बारे में बारंबार एक ही बात सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वह बातें हमारी कंडीशनिंग बन जाएंगी और हमें सत्य लगने लगेंगी। जैसे कि आजकल टेलीविज़न पर सारे के सारे चैनल एक ही सुर में एक ही बात अलाप रहे हैं, और हम यदि टीवी देखने के आदि हैं तो धीरे धीरे वो सारी झूठी बातें भी हमको सत्य लगने लगेंगी और हम सत्य मानकर उनको आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। किंतु हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि इतने साल से हम श्री माता जी के श्री चरणों में हैं और हम झूठ का प्रसारण कर रहे हैं निरंतर बिना सोचे समझे, किसी के बारे में भी हम कुछ भी फैला रहे हैं। और चौथा एक कारण है, यदि सहज में आने से पहले हमारी यह आदत रही होती है कि किसी की बात को सुनकर हम कहीं से कहीं तक फैलाने के आदि होते हैं, यानी कि एक से सुनी और दस तक फैलाई कि आदतें हमारे अंदर हैं, तो माँ से जुड़ने के बावजूद भी यह आदत हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। पहले हम अन्य सांसारिक बातें फैलाते थे, अब सह से संबंधित सहजियों की बातें फैलाते हैं। कोई अंतर नहीं हुआ है, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है, हम जस के तस हैं। भले ही हम बाह्य रूप से कितना भी अपने आप को अच्छा सहजी प्रकट कर दें, कितना ही अच्छा आचरण हम सबके सामने दिखाने के लिए करते रहें, पर हम अंदर से तो बिल्कुल खोखले सहजी ही कहलाएंगे। और ऐसी सहजियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमको जागरूक रहना है अपने यंत्र के साथ, और इधर से उधर फैलाने से हमें बचना है। यदि हम उन्नत होना चाहते हैं तो हमें इन सभी बातों से दूर रहना होगा और पूर्ण जागरूक रहना होगा किसी की बातें सुनकर हमारा यंत्र क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। तो यह छोटी सी चिंतन यात्रा थी, समाप्त होती है। 20 मिनट का समय है, अब हम सभी आपस में बातचीत कर सकते हैं। जय श्री माता जी।